हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम बनाएंगे मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे हम मूंगलेट कहते हैं। और ये बहुत ही हाई प्रोटीन रेसिपी है, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, वेट लॉस में भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही झटपट बन जाती है। तो यहाँ देखिए, मैंने मूंग दाल को भिगो लिया है और इसे अब हम पानी छान देंगे, क्योंकि पीसते वक्त हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो मैंने धो के इसे भिगो दिया था, 2-3 घंटे में मूंग दाल भीग जाती है। और हम इसे मूंग दाल को धो के इसका पानी मैंने छलनी से छान दिया है। तो अभी हमें इसे पीसना है, तो हम इसे पीसेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सर जार ले लिया है, यहाँ मैं मूंग दाल को डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैं मूंग दाल को इस तरीके से सारे मूंग दाल को अच्छे से डाल दूँगी। तो बैटर बहुत पतला नहीं चाहिए हमें, और बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं चाहिए, गाढ़ा भी नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं डालूँगी नमक, तो यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। फिर मैं डालूँगी यहाँ पे नमक के बाद मैं डालूँगी यहाँ पे अदरक। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया और डाला था कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप भी ग्रेट कर ले, ये एकदम बारीक बारीक काट ले। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे, एकदम बारीक इसका महीन पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पीस लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ ये बैटर कैसा होना चाहिए। तो ये देखिए, ये ठीक है ना, बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। तो ऐसे तो 2-3 टेबल स्पून पानी डालकर ही आप पीसे, ज़्यादा पतला ना करें। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है सारा बैटर को, सारा मूंग दाल का पेस्ट को यहाँ पे निकाल लिया है। और यहाँ पे अभी हम कुछ डालेंगे, तो यहाँ आप अपनी मनचाही सब्जी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ गाजर डाल दे रही हूँ, मैंने बारीक कटा हुआ बंद गोभी डाल दिया है, मतलब पत्ता गोभी डाल दिया है। थोड़ी सी मैं बीन्स डाल रही हूँ यहाँ बारीक काट के, थोड़ी सी मैं प्याज डाल रही हूँ। आप यहाँ पे शिमला मिर्च डाल सकते हैं, फूल गोभी डाल सकते हैं, बारीक बारीक काट के आप अपनी मनचाही सब्जी यहाँ पे डाल सकते हैं। बारीक कटा हरी मिर्च मैंने डाला है, आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कड़ी पत्ता लिया है और इस तरीके से तोड़ के मैं डाल दूँगी, है तो आप डालिए, वरना ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता मैंने डाला है यहाँ पर, और हम करेंगे इसे मिक्स। तो ये ना बहुत ही टेस्टी एक नाश्ता रेसिपी बनकर तैयार होगी हमारी। तो मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है लास्ट में, इसे हम करेंगे मिक्स। तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर ले इस तरीके से, ताकि सब्जी और मूंग दाल का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना गाढ़ा है बैटर, अभी मैं यहाँ पे इनो डालूँगी। तो आप यहाँ पे अगर इनो ना हो ना, तो खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं वो भी डाल सकते हैं। इनो डाल के मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी इनो को एक्टिव करने के लिए। अभी देखिए, बैटर एकदम दुगुना हो जाएगा और बहुत ही लाइट वेट हो जाएगा, बहुत ही हल्का हो जाएगा बैटर हमारा। तो ये देखिए, मैं इसे करूँगी मिक्स। आप खाने वाला सोडा डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास दही है तो डाल दीजिए, लेकिन दही डालने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए बैटर को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैंने थोड़ा तेल ले लिया है। अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो बस ब्रश की सहायता से एक बार तेल पैन में लगा दीजिए, और आपकी ये वेट लॉस रेसिपी भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने तेल को गर्म कर लिया है, और मैं इसमें अभी बैटर डालूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 2-3, जितना पैन में आ जाए उतना मैं बैटर डालूँगी। तो यहाँ पे 2-3 चम्मच में बैटर डाल रही हूँ, और इसे इस तरीके से हल्के हल्के हम फैला देंगे। बड़ा छोटा आप मनचाहे साइज़ का बना सकते हैं, छोटे पैन में बनाइए तो शेप छोटा आएगा। तो यहाँ मैं हल्का हल्का फैला दूँगी, और ये बहुत ही फूलेगा, बहुत ही फ्लफी और अंदर से एकदम जालीदार बनेगी ये रेसिपी। तो इसे इस तरीके से फैला के मैं इसे ढक दूँगी। तो इस तरीके से आप फैला लें, बहुत अच्छे तरीके से फैला के मैं इसे ढक दूँगी, हल्के हल्के फैलाएं। और ये जो लीड में जो होल है ना, इसे हम करेंगे एक लॉन्ग लूँगी मैं, उसे बंद कर दूँगी ताकि स्टीम अंदर बने। स्टीम अंदर बनेगी तो क्या होगा ना, ये रेसिपी बहुत सॉफ्ट बनेगी, एकदम सूखा सूखा सा मूंगलेट हमारा नहीं बनेगा, एकदम नर्म, ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी और अंदर से एकदम नर्म बनेगा। तो मैंने देखिए थोड़ी देर में ढक्कन हटाया, आप उंगली से टच करके देखें, अगर आपको गीला लग रहा है तो फिर ढक्कन फिर से लगा दें, मतलब आप 5 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं। फिर मैंने 5 मिनट के लिए ढका, आप देखिए ऊपर से एकदम सूख गया है। तो अभी मैं थोड़ा सा तेल ऊपर डालूँगी इस तरीके से, और इसे ब्रश की सहायता से मैं मिला दूँगी। तो ये देखिए, मैंने ऊपर भी तेल लगा दिया है, बहुत ही कम तेल में बन जाती है ये रेसिपी, खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। और इसे हम पलट देंगे दोनों तरफ, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। तो इस तरीके से आप बनाएं। तो ये देखिए, मैं दोनों तरफ से इस तरीके से इसे सेक ले रही हूँ एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। एक टूथपिक ले आप और उसमें डाल के देखें, टूथपिक देखिए हमारी एकदम साफ़ निकली है ना, यानी कि ये बन चुका है अभी। तो इसे हम निकाल लेंगे।
तो आप एकदम फटाफट ये नाश्ता बन जाएगा आपका। ये देखिए मैंने दोनों तरफ आपको दिखाया, ये आराम से बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी और दूसरा भी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी, मैं दूसरा भी आपको इसी तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे बन चुका है, आप इसे कट करके आराम से सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, मैं अभी आपको काट के इसकी जालियाँ भी दिखाऊंगी, सामने से भी दिखाती हूँ कि ये देखिए एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर बहुत ही जालीदार ये रेसिपी बनी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। तो ये देखिए मैं आपको अभी जालियाँ दिखाती हूँ, इसलिए मैंने काट लिया, बहुत इजी तरीके से कट दी। और ये देखिए जालियाँ कितनी अच्छी आई है, मतलब अंदर सॉफ्ट है ऊपर से क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी हेल्थी नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसे सॉस के साथ चटनी के साथ इंजॉय करें और सारी इन्ग्रीडियंट लिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये नाश्ता बनाकर ज़रूर ट्राई करें।